वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन 263.55 क्लोजिंग दे चुका था, 1.86% ओवर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था, यानी कि 5% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। 1.86% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तो लास्ट वन वीक की मूवमेंट देखी जाए तो वन वीक में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन गिरावट देखने को मिले, और लास्ट वन मंथ में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 26% तक गिरावट होती हुई नजर आ चुकी है। तो देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे नज़र डाली जाए, जैसे कि इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है पर डिविडेंड अच्छा दे देता है, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है और नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हैं स्टॉक ESM लिस्ट में नहीं है जो कि अच्छी बात है, और प्रोमोट होल्डिंग में शेयर्स प्लेज नहीं है। तो स्मॉल कैप का स्टॉक ये तकरीबन देख सकते हो कि मार्केट कैप 3998 करोड़ की है। रिस्क देखे जाए तो हाई रिस्क में करंटली ये स्टॉक है। तो बाकी के डिटेल की मैट्रिक्स में पी रेशो भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2.96 है। टोटल जो लोन है कंपनी के ऊपर 8561 करोड़ का लोन है, और नेट डिविडेंड देख सकते हो 0.74% का डिविडेंड भी दे देता है। नेट इनकम देख सकते हो 1300 करोड़ का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट इनकम है इस साल की। टोटल जो रेवेन्यू है 43,000 करोड़ के ऊपर है। फॉरकास्ट डाटा की यहाँ पे देखा जाए तो रेटिंग तो जितने भी एनालिस्ट ने राय दी थी उनमें एक ने भी इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दी, पर प्राइस इन फॉरकास्ट में प्राइस गिरने की चांसेस दिखाई दे रहे 3% से ज़्यादा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट, आप देख सकते हो चेन्नई पेट्रोल स्टॉक के लिए।